ठाकुर जगदेव चंद स्मृति शोध संस्थान नेरी में 23 व 24 नवंबर को होने वाली राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश भर के सैकड़ों विद्वान जुटेंगे। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ऋषि परंपरा विषय पर आयोजित की जाने वाली संगोष्ठी का उद्घाटन 23 नवंबर को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे और समारोह की अध्यक्षता आचार्य केशव शर्मा करेंगे। उद्घाटन समारोह में महंत सूर्यनाथ और ICHR के सदस्य सचिव प्रोफेसर कुमार रत्नम बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे। संगोष्ठी के लिए देश भर के 60 विद्वानों के शोध पत्र प्राप्त हो चुके हैं। राष्ट्रीय संगोष्ठी में 100 से अधिक विद्वान शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। शोध संस्थान नेरी में नवंबर 23 और 24 को एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इसका मुख्य विषय रखा गया है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ऋषि परंपरा। हिमाचल प्रदेश का और खास करके इस हिमालय क्षेत्र का जो इतिहास है वो हमारी प्राचीन परंपरा से जुड़ता है। महाराज मनु ने सृष्टि का जो सूत्रपात किया वो यहीं से किया, इसी भूमि से किया, मनाली से। और इसके अतिरिक्त हमारे जितने प्राचीन वैदिक और पौराणिक ऋषि हैं उनकी भी तपोस्थलियाँ और कर्मस्थलियाँ हमारी इसी भूमि में रही। और आज के संदर्भ में भी हमारी जो ऋषि परंपरा है उनके जो संदेश हैं, उनके जो उपदेश हैं, उनका जो ज्ञान है वो अत्यधिक आवश्यक है आज के संदर्भ में, आज की समस्याओं के समाधान के लिए और हमारे प्राचीन इतिहास का ज्ञान करने के लिए ये ऋषि परंपरा पर शोध करना परम आवश्यक है। और इसी के दृष्टिगत है नेरी शोध संस्थान, जो कि समय से इस प्रकार की संगोष्ठियाँ राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करता रहता है, तो इस वर्ष ऋषि परंपरा पर गोष्ठी आयोजित करके हमारे जो इतिहास के जो शोध के जो प्रणाली है, हमारी जो प्राचीन परंपरा है उसको प्रकाश में लाने का एक प्रयास किया जा रहा है। और इस संगोष्ठी में देश भर से लगभग 60 विद्वान भाग ले रहे हैं, उनके शोध पत्र प्रस्तुत हो रहे हैं और अपने शोध पत्रों के माध्यम से हमारे जो इतिहास की जो प्राचीन परंपरा है उसमें नए शोध और नए आयाम स्थापित। उद्घाटन दिनांक 23 नवंबर 2019 को हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर करेंगे और इसके अतिरिक्त महंत सूर्यनाथ जी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे तथा समारोह के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता सोलन के प्रख्यात विद्वान आचार्य केशव शर्मा, जो कि राष्ट्रपति द्वारा विशेष विद्वान के रूप में सम्मानित है, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। और इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारे बुद्धिजीवी प्रतिष्ठित विद्वान भाग ले रहे हैं और 24 तारीख को इसका समापन होगा, जिसमें कि एक सामान्य परिचर्चा सत्र भी रखा गया है, जिसमें सामान्य लोग भी और विद्वान लोग सामान्य परिचर्चा करके एक प्रश्नोत्तर रूप में उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया जाए। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट।